बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रोज़िया ब्रांड का मैं आप लोगों को शर्ट शो करवा रही हूँ। रीस्टॉक हुई है ये देखें। काफ़ी लोग शिकवा कर रहे थे कि उनको ये शर्ट नहीं मिल सकी थी, ठीक है, बट अब जब स्टॉक आया है तो उसमें ये दोबारा से मेरे पास रीस्टॉक हो चुकी है। तो सेम वैसे ही है, मेजरमेंट्स हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो या बट माइनर रिजेक्शन में भी है ये, ठीक है। तो वो लोग ज़रूर मुझसे शिकवा करेंगे जिनको लास्ट टाइम ये वाली शर्ट नहीं मिल सकती थी, ठीक है। ये देखें, ये इसका टैग लगा हुआ है, ये इसके किस तरह से ये टसल्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और ये नेकलाइन के ऊपर जो है सारा इस तरह से हैंड एम्बेलिश हुई हुई है। ये देखें, क्लोज करके इसके सारी नेकलाइन पर हैंड एम्बेलिश हो करवा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से सारे इसका नेकलाइन जो है हैंड एम्बेलिश पे है। साइज़ इसका भी स्मॉल साइज़ है, ठीक है, स्मॉल साइज़ है इसका। और इसमें जो रिजेक्शन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी रिजेक्शन क्या है। पहले आप लोग इसका जो है चेस्ट साइज़ देख लें कि इसका चेस्ट साइज़ क्या है, फिर मैं आप लोगों को इसका रिजेक्शन भी बता देती हूँ, ठीक है। 18 तक इसका जो है चेस्ट साइज़ जा रहे हैं। और लेंथ जो है, लेंथ इसकी जा रही है 46 तक, ठीक है, 46 इसकी लेंथ जा रही है। और उसके बाद इसका हिप साइज़ भी आप लोगों को बता रही हूँ, हिप साइज़ भी 18 तक जा रहा है। और ये इसकी कमर का साइज़ बता देती हूँ, 16 कमर का साइज़ चेस्ट साइज़ में आप लोगों को बता दिया, 18 तक जो है इसका चेस्ट साइज़ जा रहा है, ठीक है। और फ्रंट इसका इस तरह से फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, नीचे पैच वैच इसके लगा हुआ है, रेडी टू वेयर है, जस्ट आप लोगों ने वेयर करनी है। ये जो है न्यू आर्टिकल है, ठीक है, प्री लव नहीं है। बार बार इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि न्यू आर्टिकल है, फ्रेश पीस है एम्ब्रोसिया ब्रांड का, बट ये लेफ़्ट ओवर में आया हुआ है रिजेक्शन की वजह से, ठीक है। रिजेक्शन इसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका रिजेक्शन क्या है, ठीक है। ये देख लें, इसमें इस तरह से जो है ना, ये थोड़ा बहुत ये सीक्वेंस लगने की वजह से ये इस तरह से थोड़े से बारीक फैब्रिक है। बारीक फैब्रिक को जब फोल्ड करते हैं, रखते करते हैं, ठीक है, तो ये इस वजह से ये सीक्वेंस यहाँ पे लग के ये थोड़े से इस तरह से थ्रेड टाइप निकला हुआ है फैब्रिक का। इसे आप लोग जो है ना सीजर से आराम से इसको कटिंग कर लेना, ठीक है। इसमें ये रिजेक्शन है। और उसके बाद जो है इसका सेकेंड रिजेक्शन शोल्डर पे, यहाँ पर माइनर सा बारीक सा होल है, इसे आप लोगों को कवर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, और मैं देख लेती हूँ अगर मुझे कहीं पे नज़र आता है तो, हाँ जी, ये देखें, एक माइनर सा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन है, ठीक है, बट ये कवर करने वाला नहीं है, ये आराम से ऐसे ही पहना जाएगा, ठीक है। जस्ट इसमें ये रिजेक्शन है। और ये देख लो, ये मैं इस तरह से ये रख रही हूँ ना, ये देखिए इस तरह से ये स्लीव्स इसमें अड़ जाती है सीक्वेंस की वजह से, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो है ना, इनके ये इस तरह से पेओश फोम की है, तो ये सीक्वेंस लगने की वजह से ना ये निकले हुए हैं, ठीक है। थ्रेड ये आप लोग जो है कैंची वगैरह से आराम से ना इसको कटिंग कर लेना, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से ये निकले हुए हैं, बट ये न्यू है। बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, न्यू है बट लेफ़्ट ओवर में ये मेरे पास शर्ट आई हुई है। ये इसका मैंने आप लोगों को फ्रंट दिखा दिया, ये इसकी बैक है, बैक पे मोटिव्स बने हुए हैं, पीछे वाली बैक पे भी देखें इस तरह से सीक्वेंस का पैच लगा हुआ है, सारा आगे भी पैच लगा हुआ है। मैं खुद इसको इतने आराम आराम से इसको पलट रही हूँ ना, क्योंकि मैं जैसे ही इसको रफरी कर रही हूँ वैसे ही कभी सीक्वेंस स्लीव्स में अड़ जाता है, कभी बैक पर अड़ जाता है, ठीक है। तो जस्ट ये रिजेक्शन होने की वजह से, और ये स्टिच शर्ट आप लोगों को जस्ट मिल जाएगी 3000 से, ये आप लोग शर्ट डन करवा सकते हैं, ठीक है। जिसे भी चाहिए काइंड स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लो प्राइस में इसी वजह से दे रही हूँ कि ये रिजेक्शन में आई हुई है लेफ्ट ओवर।